हमारे हिसाब से पहला स्टेप हम लोगों ने पार कर दिया बड़ा सक्सेसफुली, और इसमें माननीय न्यायालय ने आज जो है हमारे फेवर में ऑर्डर आया है कि मेंटेनेबल है ये पिटीशन, यानी जो पहला और दूसरा पिटीशन है जिसमें शेल कंपनियों के द्वारा जो घोटाले हुए हैं यहाँ पे वो और सीएम का जो माइनिंग लीज है, ये दोनों जो है वो सुनवाई योग्य है, ऐसा माननीय न्यायालय ने प्रोनाउंस किया है ऑर्डर वर्बली। और माननीय न्यायालय का कहना है कि 70-80 पेजेस का बहुत लेंथी जजमेंट्स है, तो ये जजमेंट जो है एक दो दिन के अंदर आ जाएगा सबके लिए और अपलोड हो जाएगा। लेकिन जहाँ तक मेरिट की बात है, अब मेरिट पे सुनवाई के लिए आज माननीय न्यायालय ने सबको कहा, एडवोकेट जनरल को भी कहा कि आप मेरिट पे सुनवाई शुरू कर दीजिए, सुनाइए अपना। तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हमको समय चाहिए काफ़ी लंबा। हम लोगों ने अपोज किया कि चूंकि एविडेंसेस है उसको डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो माननीय न्यायालय ने कहा कि ठीक है इसको हम लोग सुनेंगे लेकिन इतना हम समय नहीं देंगे, इसको ट्यूसडे को ही शुरू में सुनवाई के लिए माननीय न्यायालय फिक्स कर रही थी, लेकिन इसको 10 तारीख को रखा गया है। अब ये फिजिकल मोड में कोर्ट में ही सुनवाई इसकी होगी और इसको 10 तारीख को अब सुनवाई के लिए रखा गया है कि मेरिट पे इसकी सुनवाई हो। क्या दोनों केस में मेंटेनेबल है, ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है कि दोनों केस जो है मेंटेनेबल है और ये सुनवाई योग्य है। यानी शिवशंकर शर्मा का जो क्रेडेंशियल था और उनका मेंटेनेबिलिटी पार्ट था उसको हम लोगों ने सक्सेसफुली माननीय न्यायालय के ध्यान में हम लोगों ने मीट कर लिया है और ऐसा हम लोगों का जो सबमिशन था उसको माननीय न्यायालय ने मान लिया। सर, रिटेन ऑर्डर तो बाद में आएगा, लेकिन आज कुछ मेंशन किए हैं क्या? कुछ माननीय न्यायालय ने कोई ग्राउंड्स नहीं दिया, इसलिए क्योंकि बहुत लेंथी ऑर्डर है। माननीय न्यायालय का कहना था कि हम जो है ये ऑर्डर एक दो दिन के अंदर अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते। फिलहाल केस एडमिट हो गया, केस एडमिट हो गया, अब ये केस चलेगा, ऐसा हम लोगों का एक बहुत खुशी की बात है कि माननीय न्यायालय ने हम लोगों का जो आर्ग्यूमेंट था, जो सॉलिसिटर जनरल का, तुषार मेहता साहब का आर्ग्यूमेंट था, हम लोगों का आर्ग्यूमेंट था, उसको माना और इसको आगे बढ़ने के लिए कहा है कि अब ये मामला आगे बढ़ेगा। रेस्पोंडेंट्स क्या इसको चैलेंज कर सकते हैं? वो तो हमेशा ओपन है लोगों के लिए, क्योंकि पूर्व में भी राज्य सरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गई थी, वहाँ से एक ऑर्डर आया था माननीय न्यायालय का, तो उस पर जो है ये मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई हुई और ऐसा माननीय उच्चतम न्यायालय का कहा था ऑर्डर में कि आप जो है मेंटेनेबिलिटी पे सुन लीजिए और उसके बाद प्रोसीड कर जाइए मेरिट पे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।